छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जगदलपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव एक साथ कराने के लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी की रिपोर्ट आते ही सरकार विचार विमर्श कर अपना फैसला लेगी। वही डिप्टी सीएम अरुण साव ने गिरौदपुरी धाम से कांग्रेस द्वारा निकाली गई छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने जिस तरह से देश और राज्य के साथ अन्याय किया है, जिस तरह से उन्होंने छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को ठगा है, अन्याय करना उनकी आदत है। न्याय यात्रा उन्हें शोभा नहीं देती, उन्हें माफी यात्रा निकालनी चाहिए। नगरी निकाय के चुनाव और पंचायत चुनाव एक साथ कराने के बारे में विचार करके निर्णय देने के लिए कमेटी का गठन किया था। कमेटी की रिपोर्ट आते ही उस पर विचार करके सरकार शीघ्र ही उस पर निर्णय लेगी। कांग्रेस ने जिस प्रकार से देश और प्रदेश के साथ अन्याय किया है, कांग्रेस के गठन के काल से ही, देश के आजादी के बाद से ही, पिछले 5 साल जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, लूटने का काम किया, और इसलिए कांग्रेस को तो अन्याय करने की आदत रही है। न्याय यात्रा उनके मुंह से शोभा नहीं देती, उन्हें तो माफी यात्रा निकालनी चाहिए।